हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिप्रोडैक टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे सिप्रोडैक टैबलेट की संपूर्ण जानकारी, जिसमें जानेंगे इसकी मार्केट प्राइस क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसे किन किन बीमारियों में यूज किया जा सकता है, साथ में जानेंगे इसके डोज, साइड इफेक्ट्स और कुछ सावधानियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, सिप्रोडैक टैबलेट जो है कैडिला फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया मेडिसिन है और यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक करने के लिए किया जाता है। इसकी प्राइस की बात करें तो 40 रुपया है। 40 रुपया में जो है आपको जो है 10 टैबलेट मिल जाएगा। इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है 500 मिलीग्राम मिल जाएगा। और इसके यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है टाइफाइड फीवर में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ हो तो उस कंडीशन में जो है एंटीबायोटिक के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, जिसके कारण पेशाब करते समय दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होता है, तो उस कंडीशन में जो है सिप्रोडैक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया हो, स्किन में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घाव हो गया हो तो उस कंडीशन में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को जो है ईयर इन्फेक्शन हो गया हो, कान में जो है किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, जिसके कारण उसमें दर्द हो रहा हो, सूजन आ गया हो, तो उस सूजन को ठीक करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को जो है आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, श्वसन मार्ग में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, जिसके कारण जो है खांसी आ रहा हो या लंग्स इन्फेक्शन हो गया हो, निमोनिया हो, तो उस कंडीशन में भी जो है सिप्रोडैक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को जो है ज्वाइंट बोन ज्वाइंट या हड्डियों में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, हड्डियों या हड्डियों के जोड़े में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी जो है सिप्रोडैक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को जो है डायरिया की प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में भी जो है इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और डोज की बात करें तो एडल्ट में 1 टेबलेट सुबह में, 1 टेबलेट शाम में खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। बच्चों में बात करें तो बच्चों में 5 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार सुबह शाम दिया जा सकता है डोज कैलकुलेट करके। लेकिन इसको जो है बच्चों में देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, सिर में दर्द होना, सिर चकराना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ज्वाइंट में दर्द होना या सुस्ती आना, घबराहट या ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाना, ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये या इसके अलावा कुछ और भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है, तो आप जो है सिप्रोडैक टैबलेट लेना बंद करें और अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर बताएं। और इसकी सावधानी की बात करें तो इस टैबलेट को जो है बच्चों में देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में जो है सिप्रोडैक टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। यदि किसी व्यक्ति को इसमें उपस्थित इंग्रेडिएंट यानी जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन से इससे किसी प्रकार की एलर्जी होता है, तो उस कंडीशन में भी जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस टैबलेट को ओल्ड एज में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको लेने के बाद जो है अल्कोहल का सेवन ना करें, ड्राइविंग ना करें, हैवी मशीनों पर काम ना करें। तो फ्रेंड्स, ये था सिप्रोडैक टैबलेट की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी के भी काम आ सके।